हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक आजिस पर। तो आज हम दोनों जा रहे हैं बरेली राइड पर, और मैं जो है ये मेरा ब्लॉग बरेली राइड का फर्स्ट ब्लॉग है, और इससे पहले भी हम जा चुके हैं पर वो ब्लॉग जो है हिमांशु ने बनाया था। तो हमारा ये बैकपैक तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, और अभी हम निकलेंगे बरेली के लिए। तो रास्ते में भी बहुत कुछ आपको बताएंगे दिखाएंगे, तो बने रहें। तो हमने ये मुरादाबाद का अंदर का ट्रैफिक पार कर लिया है। बराबर से ट्रक जा रहा है, नीचे हमारा दोस्त बैठा है, ये देख सकते हो तो संतुष्ट को। तो हम ये रामपुर के पास आ चुके हैं। रामपुर यहाँ से 24 किलोमीटर दूर रह गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। हिमांशु पीछे सेल्फी स्टिक से पूरा नज़ारा कैप्चर कर रहा है यहाँ का। इस समय हम रामगंगा नदी पुल पर खड़े हुए हैं। ये सामने का व्यू है यहाँ का, और इतना सम व्यू है कि बहुत ही बेहतर। सामने जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पे मछली पकड़ी जा रही हैं। और जैसे यहाँ पे कोई ट्रक गुजर रहा है, ये पूरा पुल हिल रहा है। मैं इस पुल को हिलते हुए महसूस कर सकता हूँ, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। कितना बढ़िया है ना। और अभी बरेली 40 किलोमीटर लगभग रह गया है। चलते हुए काफ़ी समय हो चुका था हमें, तो थोड़ा सा हम हल्के होने के लिए रुके थे यहाँ, जो कि हल्के हो चुके हैं। और हम चलते हैं अपने बाइक की तरफ। अब बाइक की तरफ चलते हैं। हिमांशु भाई भी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये भी अपना कुछ बोल के दिखा रहे हैं, देखिए आप। अब चलते हैं। अभी हम धनेटा फाटक से पार करके रुके थे, और ये आपको दिखाते हैं पूरा सीन। तो हमने अभी बरेली में एंट्री कर ली है, और इस समय हम खड़े हुए हैं झुमका चौराहे पर। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ ये झुमका चौराहा कैसा है। ये है झुमका चौराहा, और यहाँ पे बहुत बड़ा झुमका लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना बड़ा झुमका। और पूरा बरेली बाईपास, और ये हमारा बरेली अंदर के लिए जाते हैं इधर से। तो फाइनली हम बरेली में अपनी दीघे यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये देखिए बच्चे, ये मेरा भांजा है और ये मेरी भांजी है, और ये दी पीछे आ रही हैं। अब हम छत पर चल के आपको छत का व्यू दिखाते हैं, कैसा व्यू होता है। तो ये है हमारी दी के घर की छत।
बच्चे शैतानी कर रहे हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।